चलो हर खुद सर बस बिल फाइल जोड़ी के नुसान ठीक गई। चलो तो इसको अगर हम क्लोन करना चाहें तो ऐसे करेंगे, गिट क्लोन और फिर पेस्ट कर रहे हैं। पेस्ट तो मैंने वो दूसरा कॉपी किया था, यहाँ आ जाएँ, इसको कॉपी करें और इसको यहाँ आकर पेस्ट कर दें, ठीक है। तो और इंटर करें तो ये कहेगा कि जी क्लोनिंग होम सर्विसेज वार्निंग यू हैव यू अपीयर टू हैव क्लोन एन एम्प्टी रिपोजिटरी। आपके पास इस रिपोजिटरी में कुछ भी नहीं है, ये खाली रिपोजिटरी है, आपने खाली रिपोजिटरी को क्लोन किया है, सही है। तो हमें पता है कि वो खाली है, ठीक है। तो लेकिन खाली है भी तो आप इसके अंदर आएंगे तो देखिए ये एक फोल्डर बन गया है डॉट गिट के नाम से। ये पहले नहीं होता, ये शायद आपको नज़र भी ना आए, ये मैंने हिडन फाइल्स ऑन किए हैं तब नज़र आ रहा है। दिस फाइल इज़ एक्चुअली हिडन, सही है। ये जो फोल्डर है ये हिडन है, इसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है जो गिट की वो है रिपोजिटरी है। इसको डिलीट नहीं करना, इसी से तो वो बातें करता रहता है उसके साथ, सही है। तो इस वजह से आपको ये नज़र नहीं आता कि आप गलती से भी इसको डिलीट ना करें। लेकिन देखें ये रिपोजिटरी मैंने कहाँ बनाई थी, ऑनलाइन बनाई थी और अब मेरे पास यहाँ पे आ गई है। अब इसको अगर मैं यहाँ से यानी इसमें अगर कोई फाइल ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू करके और टेक्स्ट फाइल एक बना देता हूँ, जो भी एक फाइल हो। फॉर एग्जांपल मैं एक index.html की फाइल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये एक फाइल मैंने बना दी है। अब ये फाइल किस रिपोजिटरी के अंदर है, होम सर्विसेज के अंदर है, लेकिन ये लोकल है या रिमोट है? लोकल है, अभी तो मैंने इस कंप्यूटर में ये बनाई है ना। अभी मैं थोड़ी देर में जब इसको पुश करूंगा तब फिर ये उधर अपीयर होगी। अभी अभी ये फाइल कहाँ पे मौजूद है, मेरे इस कंप्यूटर लोकल में मौजूद है, ठीक है। अच्छा अब अगर आप इसको यहाँ आकर ls करें तो आपको ये बताता है कि आपके पास इसमें होम सर्विसेज का एक फोल्डर आ गया है। तो आप अगर cdh लिखें और टैब दबाएं तो ये कंप्लीट कर देता है, ठीक है। और अगर चूंकि इसमें सिर्फ एक ही फोल्डर है तो आप बस सिर्फ टैब दबाएं तो भी काफ़ी है, ठीक है ना। तो अभी हम होम सर्विसेज में हैं और यहाँ पर आपको एक चीज़ सिखाना बड़ा ज़रूरी है। ये जो मेन लिखा है मेन, इसका मतलब ये है कि हम मेन ब्रांच में हैं और ब्रांच का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा, क्योंकि अभी फिलहाल मैं वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं करना चाह रहा। थ्योरेटिकल मैंने कहा शायद प्रैक्टिकल कर लें, फिर मैं साथ साथ आपको समझाऊंगा। ये जो मेन लिखा हुआ है इसका अलग से एक मतलब है और आपको इसी को देखना होता है यूजुअली कि हम किस ब्रांच में हैं, ठीक है ना। ब्रांच एज ए सब फोल्डर कंसिडर करें ऐसे कहना, लेकिन सब फोल्डर नहीं है, इट्स अ लॉट मोर देन जस्ट सब फोल्डर। चलो अब हम अगर इधर ls करें तो आपके पास इसमें कितनी फाइल्स हैं, index.html की एक फाइल मौजूद है, ठीक है। अगर इसको मैं commit और स्टेज करना चाहूँ तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले क्या लिखूँगा, git add dot, ये इसने करंट डायरेक्टरी में जितने फाइल्स थे उसको स्टेज किया। फिर हमने क्या लिखा, git commit-m और फिर डबल कोट्स में एक मैसेज दे दें। जब भी हम कोई चीज़ कमिट करेंगे ना तो उसके साथ कोई मैसेज लिखेंगे मस्ट, ताकि बाकी के प्रोग्रामर्स को पता चले कि आपने इसमें क्या चेंजेस की हैं। यानी मैंने लॉगिन मॉड्यूल पे चेंजेस की और उन्होंने होम मॉड्यूल्स पे चेंजेस की, तो मैं अपने साथ लिखूंगा कि चेंज्ड लॉगिन मॉड्यूल या माइनर बग फिक्सेस मैंने किए या जो भी। यानी ये मैसेज बड़ा ज़रूरी है कि आप यानी दे। हम एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे थे तो उन्होंने बाकायदा इसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाई थी कि आप इस मैसेज को कैसे लिखेंगे। आपकी अगर ये पहली कमिट है तो आप लिखेंगे 001, फिर स्पेस देकर फिर उस मॉड्यूल का नाम लिखेंगे जिसमें आपने चेंजेस की है, फिर स्पेस देकर आप वो चेंजेस लिखेंगे जो उन्होंने दी है, तो उनको ट्रैक करना आसान होता है उस पर, ठीक है ना। तो ये मैसेज बड़ा ज़रूरी है देना, अगर ये नहीं देंगे तो आप कमिट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और ये अंडरस्कोर नहीं है, ये जो डैश मैंने लिखा है ये माइनस है, माइनस एम। जूम कर लें तो ये कैसे जूम करेंगे यार, अच्छा एक सेकेंड, ये मैं आपके सॉरी ये मैं कंट्रोल प्लस से होता है, yes, अच्छा मुझे नहीं पता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। प्लस का है अभी, सही है अभी, इधर सर आ रहा है नहीं है, इधर आ जाए। अच्छा वो मैनुअल जूम कर लेना, आप यहाँ आ जाए, सही है ना। अच्छा चलो और इधर मैसेज दें, फॉर एग्जांपल एडिट इंडेक्स फाइल, ये यही किया ना हमने, इंडेक्स फाइल ऐड किया है, तो हमने लिखा है कि इंडेक्स फाइल ऐड किया है। अब एंटर करें तो ये कहता है कि अच्छा ये बड़ा ज़रूरी मैसेज है, इसको भी आपने समझना है क्योंकि ये ज़रूरी है। ये मुझे बता रहा है कि आपने मेन में चेंजेस किए हैं और आपने ऐड किया है, यानी इस कमेंट के साथ आपने ये रूट मेन में चेंजेस किए हैं। मेन मैंने कहा ना ब्रांच है, मेन ब्रांच में हमने चेंजेस किए हैं। और आपने क्या, इन्होंने क्या लिखा है कि वन फाइल चेंज्ड, आपने सिर्फ
एक फाइल में चेंजेस किए हैं, जीरो इंसर्शंस हैं और जीरो डिलीशंस हैं। यानी आपने एक फाइल को क्रिएट किया है लेकिन उस फाइल में आपने कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी नहीं की। अब इंडेक्स फाइल को खोल के अगर हम चेंजेस करें तो वो प्लस में काउंट होंगी, और अगर हम हटाएं कोई लाइंस तो वो माइनस में काउंट होंगी। वो भी अभी करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, कमिट हो गया, अब क्या रहता है? पुश, दैट्स इट। आप लिखें गिट पुश, बस दैट्स इट, एंटर करें तो आपका कोड ऑटोमेटिकली पुश हो जाएगा। अब ये देखें, इन्होंने कहा कि मैंने मेन ब्रांच के अंदर आपके इन फाइल्स को पुश कर दिया है। अब ज़रा आकर वेरीफाई करें, दरो को ना हुई, आपका ना सीना दरो हुई, इधर आकर क्लिक करें और चेक कर लें। देखें, ये index.html की फाइल आपकी रिपोजिटरी में आ गई है, कब? 1 मिनट ago, और किस कमेंट के साथ? हाँ, ध्यान देगा ना, तुम्हारा होना देगा सुबह हुसैन के लिए, उसमें नोर मसा नहीं हो लग, सबर हो गई, ठीक से हो गया ना। दिस इज़ द हार्डर वर्जन ऑफ द गिट, सही है। अच्छा, ये हो गया। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल एक काम करूँ, मैं इस फाइल में कुछ चेंजेस करूँ, फॉर एग्जांपल मैं दो तीन काम कर लेता हूँ। इसको मैं पहले एक दूसरी फाइल बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल उस फाइल का नाम है styles.css, ठीक है, फर्ज कर लें ये नाम है। ये फाइल मैंने बनाई है, और ये मैंने बनाई नहीं है, ये क्या है, ये पहले से मौजूद थी, यानी कमिट और पुश करने से पहले की मौजूद है। अभी अगर मैं कमिट करूँगा अभी, या मैं पुश करूँगा, तो कौन सी वाली फाइल्स पुश होंगी? सिर्फ स्टाइल्स पुश होगी, बाकी में तो चेंजेस नहीं है, तो वो क्यों पुश हो? ये वाला वर्जन और वो वाला वर्जन तो एग्जैक्टली सेम है, तो फिर पुश नहीं होगी ये वाली फाइल, ठीक है। चलो, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ इसको मैं VS Code के साथ खोल के, अच्छा VS Code भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, क्योंकि इट इज़ द ब्लड लाइन ऑफ डेवलपमेंट, सही है ना, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। तो ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, इसके मैं फिर वो आपको कस्टमाइजेशन सारी सिखाऊंगा। अच्छा, तो VS Code को हम क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि देखें, बस नोर हर सफरी दे दिए तो गोरे, इधर सिर्फ एक्सक्लेमेशन लिखें, एक्सक्लेमेशन और टैब दबाएं, सही है, तो आपके लिए ये सारी कोड ऑटोमेटिकली लिख लेता है। अभी ये लग रहा है मेरे ख्याल में, तो इस वजह से। अच्छा, तो ये इतना सारा कोड ये खुद से लिख दिया है। तो लेट्स सपोज हमने इसके अंदर टाइटल चेंज किया, फॉर एग्जांपल यूजिंग GitHub, सही है, और यहाँ लिख दें फॉर एग्जांपल एक H1 का टैग है जिसमें हम लिख रहे हैं दिस इज़ हेडिंग, और यहाँ एक पैराग्राफ डाल रहे हैं जिसमें हम कुछ लॉरम का टेक्स्ट लिख रहे हैं, सही है। अब ये सारा हमने, यानी एक इस फाइल में हमने चेंजेस किए, ये फाइल पहले क्या थी? खाली थी, इसमें कुछ भी नहीं था, और अभी हमने इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर ली हैं। अब इसको अगर मैं मिनिमाइज करूं और इसको मैं कमिट करूं, तो इसका कमिट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये कहेगा कि इंडेक्स पे आपने इतने प्लसेस किए हैं और एक फाइल आपने क्रिएट की है, समझ आई है। तो आप यहाँ पे आ जाएं और दोबारा वही कमांड से, कमांड चेंज नहीं होने, पहले क्या करना है? अच्छा, ये है कि पहले क्या कर लें, समझ आई है, शायद इस दौरान किसी दूसरे ने लिख लिया हो, हालांकि दूसरा कोई है ही नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। पहले गिट पुल कर लें, ये अपने इसने अभी क्या कहा है, ऑलरेडी अप टू डेट, वी आर गुड टू गो, हम अब पुश कर सकते हैं। तो इधर क्या लिखें, गिट एड डॉट, सही है, करंट डायरेक्टरी में सारे स्टेज कर लो। ये देखें, इसने बताया कि आपने इंडेक्स वगैरह, अच्छा ये वार्निंग दे दी है LF की और CLF की, ये बात की कहानी है, ये बाद में देखेंगे कि LF और CRLF क्या है। अच्छा, इधर देखें, गिट कमिट -m और फिर मैसेज दे दें एडिड स्टाइल्स, ठीक है, हमने कुछ स्टाइल्स ऐड किए हैं, हालांकि किए नहीं है लेकिन सिर्फ फाइल बनाई है, ठीक है, इसको एंटर कर दें। तो इसने अब क्या कहा कि आपने दो फाइल्स चेंज किए हैं, एक में 13 इंसर्शंस हैं, इंसर्शंस मतलब ऐड किए हैं, वो पहले खाली था ना, अभी 13 इंसर्शंस हैं, और एक फाइल आपने क्रिएट की है जिसका नाम क्या है, styles.css। अब क्या करें, गिट पुश कर दें, तो अब बस गिट पुश हो गया, इसमें क्या मसला है, समझ आई है, पता का उसको कमांड नहीं था, मालम राजी नूर नाराजी, समझ आई है, इसके बाद मुझे भी नहीं आता बाकी, ठीक है। यानी मैंने कहा ना, ज़रूरत नहीं है बाकियों की। अब मैं आपसे मैं कहूँगी बाकी के मुझे आते हैं, लेकिन वो मैंने आपके समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ज़रूरत नहीं है, वो मुझे आते हैं लेकिन उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, समझ आई है। तो इस वजह से मैं आपको यानी बस यही है और नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम यानी फॉर एग्जांपल ये मैं माइनस वाला थोड़ा सा समझा दूं, फिर वो करते हैं, लेट सपोज इसमें से ये हेडिंग की जो लाइन है ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब इसमें इंसर्शंस हैं नहीं है, डिलीशंस हैं, डिलीशंस हैं, और अगर मैं फॉर एग्जांपल थोड़ा सा
दोनों समझाने के लिए, इस फाइल को भी मैं अगर VS Code में खोलूं और इस CSS की फाइल में मैं कुछ चेंजेस करूं, फॉर एग्जांपल जितने भी पैराग्राफ्स हैं तो उनके कलर को रेड कर दो, तो ये एक वो है, यानी मैंने स्टाइल्स ऐड कर दिए हैं ना। तो अब अगर मैं ये करूं गिट और क्या है सही है, फिर उसके बाद गिट ऐड डॉट, फिर गिट कमिट डैश एम और फिर मैसेज दे दें, फॉर एग्जांपल एडिट न्यू स्टाइल्स, और ये शॉर्ट मैसेज होना चाहिए, ऐसा ना हो गया उस पूरा किसवली खींच दी कि मासे से खड़ी थी, सही है क्या ना, शॉर्ट मैसेज। और मैं वो समझाने के लिए मैं अब समझाऊंगा कि इसका क्या असल में इसका मतलब क्या है, ये हम मैसेज क्यों दे रहे हैं। अच्छा, इसको अब इसमें देखिए, इसमें दो फाइल में चेंजेस हुए हैं, कौन कौन सी, 3 एडिशंस हैं और 1 डिलीशन है, समझ आई है। अच्छा, अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्यों इसमें है। कुरागन अभी वो मेरा स्टूडेंट है ना, वो काम कर रहे हैं उधर सॉफ्टवेयर हाउस में, तो मैंने उनसे कहा यार आपने कितना काम किया यार, अजी डेज याद कर लो ठीक है, जान में जरूर छोड़ो और टोला वर्ष होता नाश्त में दावा, तो मैं जल्दी से चेक कर लेता हूँ कि इसके कमेंट में कितने इंसर्शन हैं और कितने डिलीशन हैं, खबर वाले पूछ भाई ना, तो दरोग मरोग पर कहने चलिए, समझ आई है। तो उसने वाकई में काम किया था, 1300 लाइन्स प्लस एडिशंस थी, 1300 लाइन्स ही लिखी नो मतलब कार्य खड़े हो, समझ आई है। तो आप झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ ये आपको वो कर रहा है क्या है, ट्रैक कर रहा है ठीक है ना। चलो, यहाँ इसका एक फ़ायदा है, अच्छा इसको मैंने पुश नहीं किया, तो गिट पुश कर दें ताकि ये रिपोजिटरी पे चला जाए। अच्छा, ये हो गया, तो आपका अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको वेरीफाई कर लें, इसको रिफ्रेश कर लें, तो आपके पास दो फाइल्स होंगी जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी ठीक है ना। और थोड़ा सा मैं गिट भी समझा दूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ये देखिए इसमें इंडेक्स की एक फाइल है और स्टाइल्स की एक फाइल है, अगर स्टाइल्स की फाइल आप खोल के देखेंगे तो उसमें वही कुछ लिखा होगा जो आपके पास लिखा हुआ है, ये देखें ना, एक पैराग्राफ है और जिसके अंदर हमने कलर का टैग डाला, और इसके अलावा आप अगर उस पे जाएं इंडेक्स की फाइल पे तो उसमें भी आप इंडेक्स की फाइल पे देख सकते हैं ठीक है। और ये बता रहा है आपको कि एडेड न्यू स्टाइल्स, ये अभी ऐड हुआ है, तो देखें इसमें भी वही है, लोरम का टेक्स्ट है लेकिन वो हेडिंग का टैग नहीं है क्योंकि वो हमने डिलीट कर दिया था ना। अच्छा, ये हो जाए ना, तो इस रिपोजिटरी में हमने टोटल कमिट्स कितने किए, आपको याद है कितने किए, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखा हुआ है, ये सामने लिखा हुआ है, कितने कमिट्स हैं, 3, और एग्जैक्टली मुझे पता है कि किस कमिट में मैंने कितना कुछ लिखा है। इस पर क्लिक करें तो वो सारे मैसेजेस आ जाते हैं जी, पहला वाला कमिट था एडिट इंडेक्स फाइल, दूसरा वाला कमिट था एडिट स्टाइल्स, तीसरा वाला कमिट था एडिट न्यू स्टाइल्स। तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मुझे एग्जैक्टली बताता है कि आपने किस फाइल में कौन सी लाइन चेंज की है, होगा ना, लगो रखा दे दैट और सरसल लिख रही थी प्लसेज, जरा रहे ना, ये सारे प्लसेज हैं, और ये जो ग्रीन होता है ना इसका क्या मतलब है कि ये फाइल ये लाइन पहले से नहीं थी, अभी ऐड हुई है, समझ आई है। इसको बैक कर दें और ये लास्ट वाले को अगर चेक कर लें तो आपको क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा, इसको खोल के चेक कर लें तो देखिए इसमें इसने अब इसको समझे ना, इसमें क्या लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है, इससे पहले वाले कमिट में ये जो हेडिंग वाली लाइन थी ये मौजूद थी, अभी नहीं है, अभी डिलीट कर दी गई है, और ये वाली लाइन्स इस कमिट के अंदर जो पहले नहीं थी अभी आ गई है। तो आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन सी वाली फाइल में कितने लाइंस चेंज हुए हैं और कौन सी वाली लाइन चेंज हुई है, समझ आई है। ये असल में डिबगिंग के लिए भी है, यानी मैं फर्ज कर लें एक कोड पुश कर लेता हूँ और उसकी वजह से कोई दूसरा वाला फाइल काम करना छोड़ दे, तो मुझे पता होगा कि मैंने कौन सी चेंजेस की थी, वो चेंजेस मैं रिवर्ट कर लूँगा और मेरा दोबारा से एप्लीकेशन काम करना स्टार्ट कर लेगा, सही है। ट्रबल शूटिंग के लिए इंतहाई बेहतरीन चीज़ है, ट्रबल शूटिंग के लिए, डिबगिंग के लिए बेहतरीन चीज़ है, कुछ भी पता खबर माने, समझ आई है। अच्छा, तो बस गिट यही है, गिट के अलावा इसके इसमें और कुछ नहीं है, हाँ ब्रांच। अच्छा, तो बस अब ब्रांच जो है ना, इसको इस छोटे से एप्लीकेशन में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। देखें मैं वो दूसरे रिपोजिटरी खोल दूँ तो फिर मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा आसानी से पता चल जाएगा कि असल में इसका मतलब क्या है, हम क्यों ये वो करते हैं रिपोजिटरीज। आप ग्रेविटार जानते हैं, ग्रेविटार पे चलेंगे ना, ये इससे मुझे याद आया तस्वीर से, एक वेबसाइट है ग्रेविटार, उधर जाएं, उधर अपने एक पिक्चर अपलोड करें तो दुनिया की तमाम चीज़ों में आपकी वही पिक्चर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, स्काइप में और इधर और जिस जगह पे आप जाना चाहें ठीक है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी ग्रेविटार में।
तो मैंने ग्रेविटार में डाली थी तो यहाँ आ गई है, हालांकि यहाँ मैंने नहीं डाली, वो उधर से उठाई होगी। चलो अच्छा, इसमें ये तो खैर होम सर्विसेज है, इधर मैं अगर उस पे जाऊँ, स्टॉक्स पे जाऊँ, तो मेरे ख्याल में अच्छा ये एक प्रोजेक्ट है जो हम रिएक्ट में अभी कर रहे हैं, अभी कम्प्लीट नहीं हुआ ये भी, इसकी भी मैं डेमो कराऊँगा जब आप जब इसको क्या है आप उस लेवल तक पहुँच जाएंगे कि आप इसको समझें, तो फिर मैं समझाऊँगा। इसमें मैंने लास्ट कमिट जो है वो 2 दिन पहले किया है, और इसमें टोटल कमिट्स कितने हैं, 349, नो मतलब खड़े कमिट्स थी बाकी, समझ आई है ना। तो इसमें और इसमें कितने ब्रांचेस हैं, अभी ये आपको जो नज़र आ रही है ये मेन ब्रांच है, और अगर हम यानी बाकी के ब्रांचेस को देखें तो ये सारे ब्रांचेस इसमें बने हुए हैं, यानी हम किसी दूसरे ब्रांच में शिफ्ट होना चाहें तो हो सकते हैं। अब ब्रांच का कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना पड़ेगा बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स, सही है। अच्छा ये याद रखें कि ब्रांच ब्रांच को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये जो गेट वाला प्रोसीजर है ये आसान करके समझा देता हूँ, ताकि आपको वो कमांड्स की फिक्र भूल जाए कि कमांड्स भी हमें याद रखने हैं। कमांड्स कभी याद नहीं होते, ये याद रखें, आप आज याद हैं, कल याद हैं, परसों भूल जाएंगे। तो कमांड्स के याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उसके लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने आज जितना ये रजिस्टर पर लिखा है ना, ये आपने कभी भी फिर नहीं पढ़ना, ये आपने सिर्फ लिख के बस ज़ाया कर दिया, सही है ना। जो याद रह गया ना वो बस सही है, बाकी वो लिखा हुआ फिर कोई नहीं पढ़ता ये याद, हाँ अगर पेपर हो तो फिर पढ़ लेंगे, समझ आई है। इस सब्जेक्ट का कोई पेपर नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप वो रजिस्टर उठा करके भी पढ़ेंगे, सही है। तो रजिस्टर में लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा तो इसका अब हम क्या करें, मैं आपको इसका आसान तरीका समझा देता हूँ कि किसी रिपोजिटरी को किस तरह से हम बगैर कमांड्स के मैनेज करेंगे। आप इस पूरे रिपोजिटरी को ओपन विद कोड कर दें, यानी वी एस कोड के साथ ओपन कर दें। तो अब ये देखें, ये मेरे पास वी एस कोड में ओपन हो गई है। अब इसमें अगर मैं कुछ चेंजेस करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ आकर मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करूँ, लेट सपोज यहाँ मैं एक दूसरा पैराग्राफ डाल दूँ सपोज, ठीक है, और सिमिलरली यहाँ मैं एक यानी लिस्ट आइटम्स चलो ऐड कर देते हैं छोटे से, सॉरी यू, और LI, सही है, और इसमें इस तरह से मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन कर ली, ठीक है। अब इस फाइल में चेंजेस हो गई ना, तो ये याद रखें, देखें यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये नज़र आ रहा है, ये इसके साथ ये 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने 1 फाइल में चेंजेस की हैं, ये इसको ऑटोमेटिकली पता चलता है बगैर कमांड्स पूछे, बगैर इससे पूछे। ये 1 का क्या मतलब है कि आपके एक फाइल में भी चेंजेस हुई हैं, कितनी एडिशंस कितनी सब्ट्रैक्शन डजंट मैटर, कितनी फाइल्स में चेंजेस हुई हैं एक में। अब अगर मैं फ़र्ज़ कर लें एक फाइल दूसरी बना दूँ, लेट सपोज स्टाइल्स तो है, तो मैं styles.scss का एक फोल्डर बना फाइल बना देता हूँ, और एक दूसरी फाइल मैं बना देता हूँ, बल्कि चलो इसको बस सेव कर दें, एक फाइल मैंने बना दी सिर्फ, और इधर लेट सपोज मैं कुछ लिख देता हूँ पी, और फॉर एग्ज़ाम्पल बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू है, ये ऐसे मैं लिख रहा हूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने एक फाइल बनाई है और एक में हमने चेंजेस किए हैं। तो देखिए इस चेंजेस के साथ M लिखा हुआ है, M का मतलब ये है कि ये मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड क्या मतलब, कि इसमें चेंजेस हुई हैं, ये भी क्रिएट नहीं हुई, और जो क्रिएट हुई हैं वो ग्रीन कलर में है, और इसके साथ U लिखा हुआ है, U का मतलब अनट्रैक्ड है। अनट्रैक्ड का मतलब ये है कि ये अभी रिपोजिटरी में बनी ही नहीं है, ये फाइल सिर्फ आपके पास है, अनट्रैक्ड है। अनट्रैक्ड मतलब रिपोजिटरी का इसको पता ही नहीं है, उसको वो ट्रैक ही नहीं कर सकता, समझ आई है। तो जो फाइल्स अभी बने हों वो रेड में, वो ग्रीन में होंगे, जिसमें मॉडिफिकेशन की हो वो कहाँ, वो किस में होंगे, एम में होंगे। तो अभी कितने फाइल्स में चेंजेस हुई हैं, 2 में, एक किस में, इंडेक्स में, और दूसरा इस वाली फाइल में। तो ये क्या, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2। यहाँ इस पर क्लिक कर लें तो ये आपको बताता है कि इस फाइल में भी चेंजेस हुई हैं, इस फाइल में भी चेंजेस हुई हैं, और आप इस पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कौन सी जगह पे चेंजेस हुई हैं। यानी देखें ये आपका वीएस कोड आपको बता रहा है कि लाइन नंबर 9 और 10 के बीच में ये वाली लाइन मौजूद नहीं थी, ये आपने अभी ऐड की है, ये प्लस आया हुआ है, और इन लाइंस के नीचे कुछ भी नहीं था, ये अभी ये ऐड हुआ है, और यहाँ पर आपके यानी ये पहले से मौजूद नहीं था। तो आप बिफोर पुशिंग यहाँ से ही चेक कर सकते हैं कि मेरे जो चेंजेस हैं वो कितने हैं, समझ आई है। इसके अलावा आप किसी भी फाइल की चेंजेस ट्रैक कर सकते हैं, यानी इस पे क्लिक करें और स्टाइल्स पे क्लिक कर लें, तो स्टाइल्स की तो फाइल पहले से थी नहीं और अभी बनाकर हमने ये डाल दी है, तो ये सारे एडिशंस हैं। अगर आप कोई लाइंस इनसे डिलीट कर लें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आकर
ये जो पहली लाइन है या फर्ज कर लें ये जो लाइन है इसको चेंज करके मैं कुछ और लिख देता हूँ और इसको मैं सेव करूँ तो यहाँ आ जाए और इसको इस इंडेक्स पे भी क्लिक करें तो ये आपको बताएगा कि इसमें अच्छा ये तो उसी लाइन में चेंजेस हैं। चलो आपको समझ आ गई है मैंने कहने का मतलब ये कि आप प्लस माइनस यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेट सपोज मैं ये हटा दूँ, ये पूरा मैंने एक पैराग्राफ हटा दिया है तो अब आप यहाँ आकर इधर चेक कर सकते हैं। अच्छा उधर वो चेंजेस नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। चलो एक काम करते हैं, एक इरेशनल सा काम करते हैं, यहाँ आकर इस टाइटल को ही मैं हटा देता हूँ, टाइटल भी देना लिरिक वो सही शो, और यहाँ इसको बंद करके यहाँ आकर इंडेक्स पे क्लिक करें तो ये देखें ये आपको बता रहा है कि ये अभी इंडेक्स पहले था अभी नहीं है, तो ये आपने माइनस किया है और ये बाकी के जो चेंजेस हैं ये आपने ऐड किए हैं, प्लस किए हैं, तो ये आपको एग्जैक्टली बताता है कि कौन सी लाइन में कहाँ चेंजेस हुई हैं। अब तो ये तो काम चलो हो गया। अब दूसरा ये है कि हम कैसे चेक करें कि यानी इसको पुश कैसे करें या कमिट कैसे करें या स्टेज कैसे करें। तो एक तो कमांड प्रॉम्प्ट है, वो तो आपको पता है, ठीक है ना। दूसरा ये है कि यहाँ पे क्लिक करें, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हमें भी ब्रांचेस बनाएंगे ना, तो ब्रांचेस बजाय मैं कमांड से आपको समझाऊँ, लंबे लंबे कमांड्स हैं आपको मैं यही समझा देता हूँ। अच्छा इस पे क्लिक करें, इस VS Code वाले सॉरी VS Code में इस गिट वाले जो एक्शन आइकन है इस पे क्लिक करें और ये यहाँ ऊपर ये सोर्स के आगे ये तीन डॉट्स हैं, इन तीन डॉट्स पे क्लिक करें तो ये सारे वो कमांड्स हैं, समझ आई है, जो कि हम अभी कर रहे थे। तो पहले हमने पुल कर रहा था ना, बस क्लिक कहीं पे पुल शो, खबर ख़त्म शो, समझ आई है। दूसरा हमने कमिट करना है तो कमिट पे आए और कमिट ऑल ये लिखा है ना, कमिट ऑल, तो इस पे क्लिक करें तो कहते हैं कमिट का वो मैसेज दे देना यार, क्या कैसे कमिट करें, तो एडिट SCSS एडिट, ठीक है, और एंटर करें। हाँ जी कमिट शो और स्टेज हम शो और सारा पखपला। आप जब पहली दफ़ा करेंगे तो आपसे पूछता है कि कमिट के साथ मैं स्टेज ना कर दूँ, तो आप कहें यस, तो वो बस खुद स्टेज कर देता है, वो फिर आपसे कहेगा कि मुझे दोबारा ना बताएं, बस मुझसे दोबारा ना पूछें, जब मैं कमिट करूँ तो स्टेज भी कर दें, तो वो दो कमांड्स एक बन गए। उससे पाते शू पुश पाते शू न, बस या पदे बटन क्लिक कही और या अदल तराश है, या बस पुश माने क्लिक कही, क्या पदे कि नूर से नहीं। हाँ समझ आई है, हाँ कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पता हो तो ज़्यादा बेहतर है यार, तीन ही तो कमांड्स है सारे, चार इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये चेंजेस अब पुश हो गई हैं, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा और आपको अजीब सा लग रहा है तो मैं अगर वेरीफाई भी कर सकता हूँ, फिलहाल ट्रस्ट मी वो हो गए हैं, पुश हो गए हैं, सही है, क्योंकि वो मैं ब्रांचेस समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो ब्रांच क्या है, ब्रांच इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ अ फोल्डर, ये फोल्डर है लेकिन पूरा उसका खबर में निशान हो गई। जब हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको हम मॉड्यूलर बनाते हैं, मॉड्यूलर जानते हैं, अलग बोर होना चाहिए हुआ है सही है। मॉड्यूलर कैसे कहते हैं कि जब हम एक एप्लीकेशन बनाएं तो उसको मॉड्यूल्स में बनाएं, यानी उसका लॉगिन मॉड्यूल अलग हो, उसका यानी फर्ज करने एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो वेबसाइट में तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, एक नॉर्मल टिपिकल सी वेबसाइट है, तो इसमें ऊपर हेडर होगा, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक साइड नेविगेशन होगी, यहाँ पर आपके पास एक फुटर होगा, सिमिलरली यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जाम्पल पिक्चर्स होंगी, उसके साथ कुछ टेक्स्ट होगा, और यहाँ पर आपके पास एक नेविगेशन होगी यानी पेजिनेशन मेन्यू होगी एंड सो ऑन। तो जब इस किस्म की वेबसाइट को आप चेक करते हैं तो इसमें भी आपको मॉड्यूल्स नजर आ रहे हैं, यानी हेडर एक मॉड्यूल है, इसका ये मेन एक मॉड्यूल है, ये पेजिनेशन एक दूसरा मॉड्यूल है, साइड नेविगेशन एक तीसरा मॉड्यूल है, और ये फुटर एक चौथा मॉड्यूल है, फिर इसके अंदर एक छोटे छोटे मॉड्यूल्स भी हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सर्च का एक बॉक्स है और एक यहाँ सर्च का एक बटन है, तो ये सर्च भी असल में एक मॉड्यूल है, इसके अंदर पूरी फंक्शनलिटी आपने प्रोवाइड करनी है एंड सो ऑन। तो जब आप वेबसाइट को थोड़ा सा गौर से डाइसेक्ट करके चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें मॉड्यूल्स मौजूद हैं, समझ आई है। तो हम क्या करते हैं एज अ प्रोग्रामर, एज अ प्रोफेशनल प्रोग्रामर, हम ये करते हैं कि हम इन सारे मॉड्यूल्स के लिए एक अलग अलग ब्रांच बना देते हैं। खबर मैंने पूछ हुई वो लॉगिन मॉड्यूल लेगा ना, वी क्रिएट अ सेपरेट ब्रांच फॉर अ लॉगिन मॉड्यूल, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हम उसकी कोडिंग करके उसको आइसोलेशन में टेस्ट करते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, यानी मैंने लॉगिन को मॉड्यूल बनाया और मैं डायरेक्टली इस पूरे वेबसाइट के अंदर लगा हुआ हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, तो शायद इससे कुछ दूसरी चीज़ ब्रेक हो जाए, समझ आई है। तो हम क्या करते हैं, पहले उसको हम आइसोलेशन में टेस्ट करते हैं, आइसोलेशन से तो वही जान लग,
अलग, उसको टेस्ट करते हैं, जब वो ठीक हो जाए तो फिर हम उसको यानी मर्ज कर देते हैं अपने ओरिजिनल कोड के साथ। अरे खबर हमारे कोश हुई गुरा उस तरह से खबर हमारे जान हो गई। बाहरी टीम के एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स भी और नॉवेस प्रोग्रामर्स भी, यानी ये कम न पूरी ठीक छोड़ कम कमजोरी हुई या बिगिनर प्रोग्रामर्स भी, तो बात ये होगी फर्ज कर लें मैं वो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर हूँ और आप अभी अभी टीम में आए हैं, तो मैं तो आपको ट्रस्ट नहीं कर सकता कि आपकी कोडिंग स्किल्स कैसी है, या मैं आपको पूरा का पूरा यानी मैं आपसे कहूँ कि आप मेन ब्रांच पे बस पुश करते जाएं, तो शायद वो जो कोड मैंने लिखा वो सारा ख़राब हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने लिए एक ब्रांच बनाएं और मेन ब्रांच से उसको कॉपी कर लें। यानी तो आप क्या करेंगे, आप मेन ब्रांच से एक कॉपी बना लेंगे और आपकी आपके पास उस सारे कोड की कॉपी आ जाएगी। तो आप अब लॉगिन का मॉड्यूल फर्ज कर ले बना रहे हैं या सर्च का मॉड्यूल बना रहे हैं, तो आपने सर्च के मॉड्यूल बनाया और फिर पूरा चेक किया कि काम कर रहा है बिल्कुल परफेक्ट, हर चीज़ सही ठीक ठाक काम कर रही है, और आपने मुझे बताया कि जी काम कर रही है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका एक PR बना लें। PR कहते हैं पुल रिक्वेस्ट को, ठीक है, किस चीज़ को, पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट नाम थोड़ा टेक्निकल है, मतलब यह है कि ये मेहरबानी करके मेरे वाले ब्रांच को अपने वाले ब्रांच में मर्ज कर दें। इसको क्या कहते हैं, उसको पुल रिक्वेस्ट कहते हैं, ठीक है, उसको PR हम कहते हैं। तो पुल रिक्वेस्ट का क्या मतलब है कि इन्होंने मुझे कहा कि मेरी तरफ से आपका मेरा कोड कम्प्लीटली 100% वर्किंग हालत में है और अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे इस कोड को इस वाले ब्रांच में मर्ज कर दें। समझ आई है, ब्रांचेस की समझ आई है, ब्रांचेस क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि हमने कोड की आइसोलेशन करनी होती है। समझ आई है, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर तो ऑब्वियसली सारा कोड एक ही जगह पे पुश होगा तो मे बी उसमें कोई ब्रेकिंग चेंजेस आए। तो अगर इनका ब्रांच ये फिर मुझे रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो जब मैं वो रिक्वेस्ट अप्रूव करूंगा तो फिर इनकी वाली ब्रांच मेरे पास मर्ज हो जाएगी। तो मेरे पास अब चॉइस है, या तो मैं इनकी ब्रांच को डिलीट कर दूं, सही है, और या मैं इनसे कहूं कि चलो इसमें अभी आप फिलहाल और एडिशन करते जाएं, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि बस डिलीट कर दें। वजह यह है ना, जान लो हम लोग हो रही, जब एक काम इन्होंने कर लिया और वो कम्प्लीटली काम कर भी रहा है और इनकी तरफ से वो कम्प्लीट भी है और इन्होंने उसका मर्ज रिक्वेस्ट जनरेट कर भी लिया है, तो पीछे क्या रह गया इस ब्रांच के ना डिलीट करने में। समझ आई है, आवाज़ हम से वो प्रोग्रामर थे जेरेमी, वो उन्होंने अगर ना डिलीट किया ये समझ ना पता नहीं समझ से लगा, तो उनके उसमें 380 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और रिपोजिटरी में नो दो बेटर है कुल एमनेश। इवन अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़रा वो दूसरी वाली ब्रांच खोल के मुझे बताएं उस पर क्या है, तो उस पर भी 2 घंटे लगेंगे। नुजान लकार मुगुरे चिकला ब्रांच जोड़ सी कार खत्म शो मर्ज शो डिलीट गई, दूसरी बना ले अपने लिए। अगर आप सर्च मॉड्यूल पे एक्स्ट्रा एडिशन सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं तो दूसरी सर्च बना ले, फिर बाद में कोई मसला तो नहीं है। समझ आई है, ब्रांचेस की समझ आई है, इसका बनाना इंतहाई आसान है, सिर्फ क्लिक करना है, लेकिन कंसेप्चुअली समझना जरूरी है। कोई शोई बड़ी खबर बस इसको कैसे बनाएंगे, इसीलिए वो वीडियो से नहीं होता ना, मैंने आपको बताया इधर हम ज़्यादातर डिस्कशन करते हैं फिर उसके बाद काम करते हैं। अच्छा, इस ये जो नीचे लिखा हुआ है ये आपका ब्रांच है, करंट ब्रांच है, ये नीचे नज़र आ रहा है ये, इसका मतलब ये है कि हम किस ब्रांच में हैं अभी, कोई और ब्रांच है नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट एक ही ब्रांच होती है उसका नाम मेन होता है, सही है, कभी कभी यहाँ मास्टर भी लिखा होता है तो एक ही बात है, समझ आई है, या मास्टर लिखा होगा, या आपने वो ब्लैक लाइव्स मैटर का पता है कि नहीं पता, BLM एक तहरीक चली थी 2019 में, वो एक हबशी को मारा था उन्होंने अमेरिका में, हाँ वो अमेरिका में वो एक पुलिस वाले ने, याद है ना, उससे बड़ी तहरीक चली थी BLM जिसका नाम था ब्लैक लाइव्स मैटर उसका नाम था। तो इधर पहले लिखा था मास्टर, तो वो हम मास्टर असल में कंप्यूटर में की टर्मिनोलॉजी में ज़्यादातर मास्टर और स्लेव ही है, तो कहते हैं कि वो चूंकि स्लेवरी की साइड पे ज़्यादा वो हो रहा है ना, तो इस वजह से उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्रांच है ना उसका नाम मास्टर से चेंज करके मेन कर दिया है, ये पहले मास्टर था, तो पुराने वाले रिपोजिटरीज में अभी भी ये मास्टर ही है, ऐसा ना हो फिर ये कभी आप मास्टर देख लें, तो ये कभी मेन होगा कभी मास्टर होगा, लेकिन ज़्यादातर अभी मेन ही होगा। अच्छा, अब मेन पे क्लिक करें और इधर ये देखें, यह लिखा हुआ है क्रिएट न्यू ब्रांच और क्रिएट न्यू ब्रांच फ्रॉम, तो दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। आप अगर बिल्कुल कम्प्लीटली नई ब्रांच बनाना चाह रहे हैं जिसका प्रीवियस कोड के साथ कोई लेना देना नहीं है तो फिर आप क्रिएट न्यू ब्रांच पे क्लिक करें, लेकिन अगर आप हम अब मेन से कॉपी करके बनाना चाह रहे हैं तो इस पे क्लिक करें और ब्रांच का नाम लिखें। फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन का ब्रांच बनाना चाह रहा हूं और इधर एंटर करें, तो ये कह रहे हैं किस वाली ब्रांच से बनाना चाह रहे हैं, मैंने कहा जी मेन से बनाना चाह रहा हूं, तो इसने अभी ये अब आप कहां पे हैं, लॉगिन में है,
पब्लिश ब्रांच का मतलब यह है कि अभी ये ब्रांच बनी नहीं है, ये आपके लोकल कंप्यूटर में बन गई है, अगर आप पब्लिश करेंगे तो उधर भी फिर नज़र आएगी, रिमोट में भी नज़र आएगी। इस पर क्लिक करें पब्लिश ब्रांच पे, तो अब आपकी ये ब्रांच पब्लिक हो गई है, पब्लिक मतलब वो रिपोजिटरी पे भी नज़र आएगी, सही है। अच्छा, अब अगर मैं कुछ चेंजेस इसमें करूँ तो वो किस में रिफ्लेक्ट होंगे, वो कौन से वाले ब्रांच में नज़र आएंगे? सिर्फ लॉगिन ब्रांच में नज़र आएंगे, वो मेन में नज़र आएंगे नहीं। तो यहाँ मैं एक फर्ज कर एक फोल्डर बना देता हूँ और इसका इस फोल्डर का नाम मैं लॉगिन रख लेता हूँ, और इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ जिसका नाम भी फॉर एग्जांपल login.html है, और यहाँ पर मैं एक फॉर्म बना देता हूँ जिसमें फॉर एग्जांपल एक फॉर्म है और इस फॉर्म के अंदर एक इनपुट टेक्स्ट है, ठीक है, और इसकी मैं आईडी दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 1 दे देते हैं और वैल्यू। अच्छा, ये भी मैं समझा दूँ कि ये जो सजेशन आ रही है ये क्यों आ रही है, इसको मैं थोड़ी देर में समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, और इधर एक बटन बना देते हैं, बल्कि चलो इसको मैं इसका नाम जो है ना वो मैं यूज़र नेम रख लेता हूँ, क्योंकि यूज़र नेम और पासवर्ड ही चाहिए होते हैं ना, और इसके आगे मैं यूज़र नेम लिख लेता हूँ, और दूसरे वाला पासवर्ड होता है ना तो इसको मैं पासवर्ड कर लेता हूँ, और इसको भी मैं पासवर्ड कर लेता हूँ। अगर इसकी समझ नहीं आ रही कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपके समझाने के लिए है, ये तो मैंने अभी समझाया नहीं है ना। और एक बटन बना दें, इनपुट टाइप जो है वो सबमिट कर दें, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी सबमिट कर दें, ठीक है। अच्छा, ये एक फॉर्म हमने बना दिया इस फाइल के अंदर, ये पहले नहीं था, ये अभी बना है, और मैंने इसको टेस्ट भी कर लिया, इसकी सारी कोडिंग भी कर ली, इसकी PHP और JavaScript और सारा कुछ इसके साथ अटैच करके, डेटाबेस अटैच करके मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि ये मॉड्यूल ठीक ठाक काम बिल्कुल कर रहा है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। और मैं अभी ये चेंजेस पुश करूँगा, तो जब मैं ये चेंजेस पुश करूँगा तो मैं किस में करूँगा, कौन से वाले ब्रांच में कर रहा हूँ? लॉगिंग फंक्शनैलिटी एडिट, ठीक है, मैंने कहा लॉगिन फंक्शनलिटी एडिट। अब अगर मैं ये चेंजेस पुश करूँगा, ठीक है, अच्छा, तो ये आपके ख्याल में किस वाले ब्रांच में पुश हो गई हैं चेंजेस? लॉगिन में, मेन में नहीं है, समझ आई है? अब ये चेंजेस मेन में नहीं है, तो अगर मैं इसको यानी इस पे शिफ्ट करूँ, इस पे क्लिक करके आप चेंज देख सकते हैं, मेन पे क्लिक करें ना तो आपको ये बता रहा है कि अभी आप मेन पे हैं, लेकिन मेन पे लॉगिन की कोई फाइल मौजूद नहीं है, ठीक है ना। इस लॉगिन का फोल्डर किस ब्रांच में था? हाँ, और अगर मैं इस पे अभी दोबारा से इसको शिफ्ट करूँ लॉगिन पे, तो आपके पास वो लॉगिन वाला ब्रांच आ जाएगा। देखिए, ये लॉगिन वाला फोल्डर आ गया। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, अलग अलग हैं, इनका एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब आइसोलेशन में टेस्टिंग हो गई, लेट्स सपोज ये इन्होंने बनाया है और ये बिल्कुल ठीक ठाक अभी काम कर रहा है, ही हैज टेस्टेड इट एंड ही स्वियर्स बाय इट, दे कसम पड़ेशी कुरान पड़ेशी, सही लगे ना, चीज मसलम बगीनिश्ता वो कहीं नो ब्या खनी, सही लगे ना। तो ये क्या करेंगे, ये हमारे लिए एक PR जनरेट करेंगे, पुल रिक्वेस्ट जिसको कहते हैं वो जनरेट करेंगे। तो आप पुल रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट नहीं हो सकती, अगर हो सकती है तो मुझे पता नहीं कैसे होती है, वो मैं सीख के आपको बता दूंगा, लेकिन मैं जब पुल रिक्वेस्ट जनरेट करता हूँ तो GitHub से ही करता हूँ, ठीक है। यहाँ आ जाए और होम सर्विसेज नाम था उसका, तो होम सर्विसेज रिपोजिटरी पे जाएं। अच्छा, यहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, अभी हम किस ब्रांच में हैं? मेन में है, और इस पे क्लिक कर लें तो आपको ये बता रहा है कि आप लॉगिन ब्रांच पे शिफ्ट हो सकते हैं। आप अगर लॉगिन ब्रांच पे क्लिक करें तो देखें, अब ये जो है ये लॉगिन ब्रांच है, नज़र आ रहा है, ये 1 मिनट अगो इस पे ये वाली इस फोल्डर में कोई चीज़ पुश हुई है, ठीक है, तो ये हम चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेन पे जाएं ना, तो ये मेन भी आपको, ये GitHub थोड़ा इंटेलिजेंट है, ये आपको बता रहा है, ये देखें क्या लिखा हुआ है, लॉगिन ब्रांच हैज़ अ रीसेंट पुश 1 मिनट अगो। इसका क्या मतलब है कि लॉगिन ब्रांच में कोई चीज़ पुश हुई है 1 मिनट पहले। तो आप कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, इसका क्या मतलब है कि कंपेयर करो और पुल रिक्वेस्ट जनरेट कर लो, मतलब मर्ज कर लो एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इस पे क्लिक कर लें कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे, तो ये आपको बताता है कि जी ये इसमें चेंजेस हुई थी और ये इसने कमेंट्स लिखे थे, और आप अगर पुल रिक्वेस्ट इसकी जनरेट करना चाह रहे हैं तो इस पे क्लिक करें, तो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करें, तो ये आपको ये पूरा चेक करके बता रहा है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ ये मर्ज पुल रिक्वेस्ट लिखा हुआ है कि इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करें और कन्फर्म मर्ज पे क्लिक करें, तो ये क्या लिखा है, पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज्ड एंड क्लोज्ड, हो गया। नाउ व्हाट यू वांट टू डू विद दिस ब्रांच, ये लॉगिन ब्रांच के साथ आप क्या करना चाह रहे हैं, तो इस पर क्लिक करें, या अगर आपको पता है कि इसमें अभी काम रहता है तो काम रहता है तो फिर मर्ज क्यों किया,
मेक सेंस ना, तो इस वजह से इसको डिलीट कर रहे हैं, समझ आई है? तो कम ना रहता हो तभी मर्ज किया है ना, समझ आई है? तो अच्छा, इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन बस डिलीट कर दें तो बस बात खत्म हो, वैसे भी कोड मर्ज हो गया है। अब यहाँ आ जाए होम सर्विसेज में, तो आपको लॉगिन वाला कोई ब्रांच नज़र नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये एक ही ब्रांच नज़र आएगा जिसका नाम क्या है, मेन, वो बाकी के ब्रांचेस डिलीट कर दिए गए, समझ आई है? लेकिन इस बेचारे को तो पता है कि मेरे पास है दे तो बोलेगा बाद की पता लगी, सही ना? फिलहाल इस पे मेन पे शिफ्ट कर दें और इसको इसको फिर बाद में पता चलेगा कि ये यानी अभी थोड़ी देर बाद इसको भी अंदाज़ा हो जाएगा, इसे लॉगिन हो निश्चा हो शिफ्ट डिलीट शिफ्ट, सही ना? आई होप इसकी समझ आई है जो हमने आज किया, ठीक है? अच्छा, एक छोटा सा काम रहता है, वो या आज कर लें या मेरे ख्याल में आज ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, फिर बेशक आप ये जो जितना हमने किया है वो कर ले तो भी काफ़ी है, ठीक है ना? ठीक ना? किसने GitHub इंस्टॉल कर GitHub का अकाउंट बना लिया है, ताकि मैं वो दो अकाउंट से डेमोन्स्ट्रेट कर लूँ, ठीक है ना? आपने बनाया है, आपका नाम क्या है? आकिफ नवाज, आकिफ डैश नवाज, सही है। अच्छा, अब एक काम करें, मैं इनको इस रिपोजिटरी में जो अभी है एज अ कोलेबरेटर ऐड करता हूँ। कोलेबरेटर क्या मतलब? कि हम दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, हम दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये भी कोड पुश कर सके और मैं भी कोड पुश कर सकूँ, तो मैं इनको एज ए कोलेबरेटर इनवाइट करूँगा। तो वो कैसे करेंगे? आप अपने यूज़र नेम पे जाएं और अपने इस रिपोजिटरी पे जाएं, ये जो रिपोजिटरी है इस पे जाएं, यहाँ इसकी सेटिंग्स पे जाएं, सेटिंग्स, ठीक है? और सेटिंग्स में ये देखें, ये लिखा हुआ है कोलेबरेटर्स, नज़र आ रहे ना, कोलेबरेटर्स, इस पे क्लिक करें। अच्छा, ये तो मुझे मेरा पासवर्ड मांग रहे हैं, तो मैं वो दे दूँ। अच्छा, तो कोलेबरेटर्स जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। तो देखें, यू हैवंट इन्वाइटेड एनी कोलेबरेटर्स येट, अभी इन्वाइट कर सकते हैं। तो आप अपना ईमेल मुझे बताएं, जिससे आपने GitHub का अकाउंट बनाया है वो वाला ईमेल, क्या होगा ना, दो हमारे तब डायरेक्ट टू पहला नहीं रहो बस, हाँ, आकिब नवाज 032, बस ये यूज़र नेम है कि क्या है? अच्छा, ये है आकिब नवाज, दादे कह रहा था उस्ताद पर गिनख कह रही, हाँ कह रहा सुख बोल सुख इन्वाइट ना कुछ बता ही रहेगा। चल, आकिब नवाज हैज़ बीन एडेड टू द रिपोजिटरी। अब आप अपने GitHub पे जाएं और ये बेल का जो आइकन है ना, ये वाला, इस पे क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर दें। ये मेरे मुझे भी स्टूडेंट्स इन्वाइट करते रहते हैं मुख्तलिफ उसमें क्या है रिपोजिटरीज में। नोमा सर तुमने टाइम खोनी हो गई, वही था कोड लग चेक ठीक देगा ठीक नहीं देना जी संगे चेक कम वो जिम सिर्फ एक्सेप्ट कम हो बस बेहन गोर हम ठीक देखें कल कह रहे छिकता मेरा उसे बेहू गोर हम छिका डेर ज्याद कल ना मिस मैसेज यू ना बस नहीं फ्री थी बेहू गोर हम ठीक देखें हालांकि मैं सवाल ना पैदा की। अच्छा, हो गया, जी मेल पर जाएँ अपने, हाँ ई मेल पर जाएँ, वहाँ पर भी होती है। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लें तो मुझे बताएँ जल्दी से, आपके पास वी एस कोड है? हाँ, चलो ये भी अच्छा है, ताकि फिर आप कुछ चीज़ पुश करें तो मुझे यहाँ नज़र आए ना। और एक एक अजीब सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, उसको हम सीख लें, क्योंकि वो दो बंदों के थ्रू सीखा जा सकता है ना, एक बंदे से मैं कैसे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करूँ। हाँ, नहीं, पहले करना पड़ता था, अभी GitHub किस कंपनी का है, किसने लिया हुआ है उसको पैसों से, खरीदा हुआ है फॉर अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन मुझे पता है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी कितनी होगी, $67 बिलियन पे खरीदा है एक कंपनी ने GitHub को, $67 बिलियन किसके पास है, बल्कि ये बिलियन का जो फिगर है ना, लेट मी एक्सप्लेन दिस फिगर, ये बड़ा ज़रूरी फिगर है। पाकिस्तान ने तकरीबन 50 ममालिक से कोलेबरेशन करके, मिन्नत समाजत करके अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए IMF से $6 बिलियन लिए हैं। कितने? 6। और माइक्रोसॉफ्ट ने GitHub $67 बिलियन का लिया है, $67 बिलियन, इमेजिन करें। व्हाट्सएप $17.5 बिलियन का लिया है, बिलियन में लोग हो जाएंगे और मुंगा दियो फिगर पर लियोनी को बिल्कुल सही शो करना। तो चलो खैर, यानी मैं जब कहूँ ना 67 बिलियन, तो इमेजिन करें कि 6 बिलियन हमारे लिए इतना बड़ा फिगर है, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी 6 बिलियन पे कड़ी हुई है,
तो इमेजिन करेंगे एक कंपनी एक दूसरी कंपनी को खरीद रही है फॉर अ 67 बिलियन डॉलर। अब बेथेस्डा है, बेथेस्डा एक गेमिंग कंपनी है, एक कंपनी है बेथेस्डा जो गेम्स बनाती है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट ने भी खरीदी है 87 बिलियन डॉलर पे। और एक दूसरी है एक्टिविजन, जिसपे कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह आपने देखी होगी ना, कॉल ऑफ ड्यूटी जो बनाते हैं उनका, उनकी कंपनी एक्टिविजन है, वो उन्होंने ली है 187 बिलियन डॉलर पे। नदी सर खड़ी रही थी, समझ आई है ना, एक कंपनी के पास इतने सारे पैसे हैं, इमेजिन करें। तो खैर, अभी कहने का मतलब ये है कि ये खरीदी है माइक्रोसॉफ्ट ने, ये जो वो है, हाँ ये माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदी है, तो इसका मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ये खरीदी है ना, तो जब से माइक्रोसॉफ्ट ने गिटहब खरीदा है 2017 में उन्होंने खरीदा है, तब से एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि VS Code भी माइक्रोसॉफ्ट का है और गिट भी माइक्रोसॉफ्ट का है, गिटहब भी, तो एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब ठीक है, कर लिया है और आपको वो सारी चीज़ें नजर आ रही हैं। आप ऐसे करें, आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ पुश कर दें इसमें, ताकि मैं फिर उनको वो एक चीज़ सिखा सकूँ, ठीक है ना। कौन कर, मैं अपने अकाउंट से कर रहा था। अच्छा GitHub, ये देखें, ये अब अजीब सी बात है, GitHub असल में पहले ओपन सोर्स था, यानी इसको एक इंथूजियस्ट मैनेज कर रहे थे, ऐसे लोग मैनेज कर रहे थे कि जो कि यानी ओपन था। हाँ यार, ये कॉल ज़रूरी है। अच्छा हाँ, ये पहले ओपन सोर्स था, फिर एक छोटी सी कंपनी थी उन्होंने खरीद लिया, और फिर वो उनको खुद मैनेज करते रहे, और वो छोटी सी कंपनी जो है वो इतनी बड़ी एम्पायर में कन्वर्ट हो गई थी ऑटोमेटिकली। ये इसी तरह से होता है, एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम प्रोट्रैक्टर था, प्रोट्रैक्टर उसका नाम था, वो ओपन सोर्स थी, और उनको असल में ओपन सोर्स थी लेकिन नहीं थी, सही है। मैं बताऊँ कैसे, उनके सर्वर सारे गूगल मैनेज कर रहे थे, गूगल उनको पैसे दे रहा था उन लोगों को जो उनमें कोलेबरेट कर रहे थे, लेकिन था ओपन सोर्स, सारे कोलेबरेट कर सकते थे और गूगल का हाथ था उनके ऊपर, बस मैं ऐसे कह देता हूँ, ठीक है, वो उनका था नहीं लेकिन उनका हाथ उनके ऊपर था, सही है। कुछ अरसे बाद, तकरीबन 8 साल बाद, वो प्रोट्रैक्टर इतना इंतहाई ज़बरदस्त हो गया ना, मेच्योर हो गया, सारी दुनिया उसमें लगी हुई है, काम कर रही है, गूगल थोड़े थोड़े पैसे भी दे रहा है, कुछ इंथूजियस्ट भी लगे हुए हैं। जब वो मेच्योर हो गया तो गूगल ने ले लिया, क्योंकि ओपन सोर्स था, और उसको क्लोज सोर्स कर बनाकर एंगुलर में डाल दिया, तो एंगुलर की बाय डिफॉल्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी जो है वो प्रोटेक्टर है, तो अब आप प्रोटेक्टर यूज़ नहीं कर सकते एंगुलर के बगैर, हालांकि वो ओपन सोर्स था। तो इसी तरह से होता है, पहले ओपन सोर्स में इन्वेस्टमेंट होती जाती है, जब वो फाइनल हो जाए सो के वाली, समझ आई है, कुछ चेंजेस हो गए हैं कि नहीं, पुश हो गए हैं। अच्छा चलो इसको चेक कर देते हैं। अच्छा इनको मैंने इनवाइट कोई शो है ना, इनवाइट की संगा, ठीक है। ये सारी बातें जो है ये गिट वाली, ये सिर्फ मैं एक ही दफ़ा बताऊंगा, क्योंकि फिर उसके बाद हम काम स्टार्ट करेंगे ना, ये तो सिर्फ सेटअप करना था, तो ये सेटअप एक दफ़ा हो जाए तो फिर मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको मतलब जितना कोड मैं यहाँ लिखूंगा वो मैं रिपोजिटरी में पुश करता जाऊंगा, आप फिर पुल करते जाएं, तो आप USB मेरे पीछे ना पर आएंगे, कोड कॉपी के बस मैं पुश करते जाऊंगा, आप पुल करते जाएं, आसान हो जाएगा। किस चीज़ की? हाँ उस बिल्कुल, मैं जब मेरी पहली सांस से हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुके हैं, अब पता नहीं कितनी फाइल्स में होगी इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। और अच्छा खैर, तो यहाँ आ जाए, अच्छा इनबॉक्स में तो नहीं, खैर इसकी उसमें आ जाए, होम सर्विसेज जो हमने वो बनाया था, रिपोजिटरी बनाई थी, उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस करके पुश कर, चेंजेस किए हैं, ये फाइल बनाई है, रीडमी की फाइल बनाई है आपने, ये वाली फाइल बनाई है आपने, सिर्फ ये एक फाइल बनाई है। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ आपने क्या किया है, कमिट से चेक पता चलता है ना, क्रिएटेड रीडमी, एक रीडमी की फाइल बनाई है 2 मिनट पहले, और आपने सिर्फ ये एक फाइल बनाई है जो कि एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, यही है। अच्छा सही है, ठीक है,
आप एक काम करें, मैं सोच रहा था कि आप थोड़ी सी ज़्यादा चेंजेस कर लेंगे, दावों पर सिर्फ यू रीड मी फाइल और काम खाली है। ठीक है, चलो ऐसे करें, आप इंडेक्स पे जाएं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप इंडेक्स पे जाएं और यहाँ पर आप लाइन नंबर 10 पर एक लाइन ऐड कर दें, हेडिंग ऐड कर दें, हेडिंग। मैं असल में एक काम करना चाह रहा हूँ, लाइन नंबर 10 ही पे करें, सही है, ताकि फिर वो मैं आपको समझा सकूँ कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो रिजॉल्व होता है और गिट का असल में फ़ायदा क्या है। वो जो वर्जन्स ये मेंटेन रखता है और आपको हेल्प करता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना बने, ये कैसे करता है ये भी अभी डेमोंस्ट्रेट हो जाएगा। खैर जल्दी करें, लाइन नंबर 10 पर कुछ पुश कर दें और पुश भी कर दें, सही है ना, ताकि उनको नज़र आए। चलो इस इन्होंने पुश कर लिया ना, तो यहाँ आकर आप इसको वो करें, क्या कहते हैं, इसको वेरीफाई कर लें, जिससे उनका कहना पता नहीं था। चलो यहाँ अब 24 सेकेंड्स एगो इन्होंने कुछ चीज़ पुश की है ना, तो मैं चेक कर सकता हूँ। तो इन्होंने किस फाइल में की है, इसी फाइल में की है, अच्छा इंडेक्स, मैंने कहा इसी में किया है, बस बेहद दरपसम दरपसे। अच्छा तो ये इन्होंने हेडिंग 2 ऐड की है लाइन नंबर 10 पे, ठीक है ना। तो ये तो हमने वेरीफाई कर लिया कि इनकी तरफ से पुश हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पे हूँ तो वो चेंजेस मेरे पास यहाँ पे है नहीं है ना, वो चेंजेस मेरे पास यहाँ पे नहीं है, तो मैं क्या करूँ। हाँ तो पुल करेंगे तो क्या होगा, हाँ चेंजेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। यहाँ पे क्लिक कर लें और यहाँ पुल कर लें, खुश हुई ना, दाम तुम्हारा घट खबर आने लग, सबर हो गई। अच्छा अब इस पे अच्छा मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की है जिसका नाम गिट लेंस है, ठीक है ना। एक्सटेंशन मैं समझाऊंगा आपको, उसका नाम गिट लेंस है। गिट लेंस का एक फ़ायदा ये है कि आप जब इस पे क्लिक करें इस लाइन पे, तो देखिए इसके सामने लिखा हुआ है कि आकिब नवाज ने 1 मिनट अगो ये लाइन ऐड की है। तो लाइन बाई लाइन आप देख सकते हैं उसी ओकस इंक्वायरी की देने शेयर दा हमारे लिख ली, समझ आइए ना, ये कहें जिदा हो जी खबर अपने खड़े वहाँ। तो मैं यहाँ क्लिक करके चेक करूँगा ये लाइन किसने लिखी है, समझ आई है। तो अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, नो पकी निष्ठा, समझ आई है। अच्छा अब आप एक काम करें, इस लाइन के नीचे एक लाइन ऐड कर दें, एक लाइन, और जो भी यानी एक दूसरी हेडिंग ऐड कर दें। चलें तो फिर मैं आपको एक अच्छी चीज़ समझा दूँगी जो कि ज़रूरी है, ठीक है ना। नहीं ये मैंने इनविटेशन सेंड की है इनके ईमेल पे, उन्होंने वो एक्सेप्ट की है, तो ये कोलेबरेटर बन गए हैं इस रिपोजिटरी के। तो उन्होंने भी वो रिपोजिटरी क्लोन कर ली, मैंने भी क्लोन की हुई है, वी बोथ हैव पुश प्रिविलेजेस टू इट, हम दोनों इस पे पुश कर सकते हैं। इनिशियल वाला प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, जिस तरह से मैंने इधर क्लोन किया है आप भी उधर क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। उनके एंड पे प्रोसेस डिफरेंट नहीं है, इसीलिए तो वो कर रहे हैं, वरना फिर पूछते ना कि क्या हो रहा है। ओए ओए उस पर से कहूँ नेट का मसला है, क्या मतलब मसला है, स्लो छोड़ दें, एक लाइन पुश करने में कितना इंटरनेट लगेगा यार, क्या चला गया इंटरनेट, चला गया दोबारा आ गया, चेक कर लें हो गया कि नहीं। हमूंगम चाहता हुआ चिमण मूंगे सर को लेबरेटर शाह चल तो सम सड़े उनको लिबरेटर खड़े हो। चल असल में इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं उसे पहले थोड़ा सा समझा दूं। अगर ये लाइन नंबर 11 पर कोई चीज़ ऐड करें, ठीक है, और वो यहाँ मेरे पास ना हो, मेरे पास 11 नंबर लाइन में क्या है, ये है, और वो ये पैराग्राफ है ना, और अगर वो 11 नंबर लाइन पर कुछ पुश कर दें रिपोजिटरी में और मैं पुल ना करूँ, फर्ज कर लें मैं पुल ना करूँ, तो मेरे 11 नंबर लाइन पे क्या है, ये पैराग्राफ है, और उनके 11 नंबर लाइन पे क्या है, हेडिंग है। तो इसका क्या मतलब है कि अब प्रॉब्लम बन गई है, एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया है। तो अगर मैं ये फाइल पुश करना चाहूँ तो क्या इसे पुश होना चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें इस लाइन पे कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसको आपके पास अब दो चॉइसेस हैं, एक तो ये है कि बल्कि तीन चॉइसेस हैं, एक तो ये है कि ये मेरे वाला एक्सेप्ट हो, दूसरा ये है कि वो वाला एक्सेप्ट हो, और तीसरा क्या है कि दोनों एक्सेप्ट हो जाए, बस 11 नंबर लाइन को थोड़ा नीचे ले जाए, इसको 12 पे ले जाए और उनके वाला ऊपर लिख दे, मेरे वाला नीचे लिख दे, बस बात, दोनों भी एक्सेप्ट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा
जो मेरे चेंजेस हैं उनको करंट चेंजेस कहते हैं, जो आपके वाले चेंजेस उधर से आ रहे हैं उनको इनकमिंग चेंजेस कहते हैं। सर इनकमिंग, तो आपके पास यहाँ पर चॉइस होती है कि आप इनकमिंग चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या करंट चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या बोथ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उनके जो चेंजेस हैं वो आप रिजेक्ट कर दें और मेरे वाले एक्सेप्ट कर दें, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने जो ऐड किया है वो लेटेस्ट नहीं है, मेरे जो ऐड किया है वो लेटेस्ट है। तो हम डिसाइड कर सकते हैं क्या बना हो गया, पुश हो गया। अच्छा अब मैं पुल नहीं कर रहा, ठीक है, मैं पुल नहीं कर रहा ताकि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर इस लाइन नंबर 11 पर कुछ पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। दिस इज़ अ पैराग्राफ और पैराग्राफ फॉर एग्जांपल 100, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ और सेव करते वक्त मैं इसको पुश कर देता हूँ। अभी मैंने पुल नहीं किया, हालांकि पुल करना चाहिए था, लेकिन अगर फर्ज कर लें गलती से भी आप पुल कर लें, पुल कर ना करें और आप पुश करना चाहें तो आपको ये एरर देता है। आप यहाँ पे क्लिक कर लें और यहाँ आकर इसको कमिट कर दें, कमिट ऑल, और इधर कुछ मैसेज दे दें, फॉर एग्जांपल चेंज लिटिल और इंटर कर दें। तो अब चेंजेस हो गई हैं। अब अगर मैं पुश करूँ तो मसला बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे पुश करूँ तो देखें ये अब इसने मुझे एरर दिया है। अब देखिए अब इसने क्या एरर दिया है, ये इंडेक्स की फाइल मर्ज नहीं हो सकती, यानी दोनों कोड्स कंबाइन नहीं हो सकते, आपके वाला और मेरे वाला। वजह क्या है, क्योंकि सेम फाइल में सेम लाइन पर एरर्स हैं, एरर्स मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अब आपके पास मैंने कहा चॉइस है, तो ये देखिए ये आपको एग्जैक्टली बता रहा है कि आपकी किस जगह पर प्रॉब्लम है। आपकी हेडिंग 2 बिल्कुल ठीक है, आपका ये वाला टेक्स्ट बिल्कुल ठीक है, ये किसमें प्रॉब्लम है। उन्होंने जो पुश किया है वो ये है, दिस इज हेडिंग 3, उनकी तरफ से जो चेंजेस आए हैं वो क्या है, हेडिंग 3, और जो करंट चेंजेस हैं वो कौन से हैं, दिस इज करंट। तो आप अब आपके पास चॉइस है कि ये वाला एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं या ये वाला एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं या दोनों करना चाह रहे हैं। तो आप इसके ऊपर माउस ले है ना, बल्कि माउस लाने की जरूरत नहीं है, ये देखो ऊपर लिखा है एक्सेप्ट करंट चेंजेस, ये क्या लिखा है, इनकमिंग चेंजेस एक्सेप्ट बोथ चेंजेस, समझ आई है। yes, तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करेंगे तब ही पुश कर सकेंगे, ये नहीं पुश कीजिए, समझ आई है। yes. तो अब यू कैन मेक श्योर कि मेरे पास जो सॉफ्टवेयर का वर्जन है ना वो आपके पास भी है, इसीलिए इसको वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं कि हम वर्जन्स को मेंटेन रख रहे हैं। अब मैं आप इसी एक एप्लीकेशन का, वेब एप्लीकेशन का, मेरे पास जो वर्जन है वो आपके पास नहीं है, आपने उधर हेडिंग 3 डाला हुआ है, मेरे पैराग्राफ डाला हुआ है, तो दो वर्जन हो गए ना। इन वर्जन्स को एक पेज पे लाना गिट का काम है, समझ आई है। तो मैं फर्ज कर लें इनकमिंग चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता हूं, इनकमिंग पे क्लिक करें तो देखें यहां क्या लिखा हुआ है, दिस इज हेडिंग 3, यानी इनकमिंग चेंजेस मैंने एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब ठीक हो गया, अब कोई मसला नहीं है, इसको सेव कर दें और नाउ यू कैन पुश इट इफ यू वांट टू। इधर इधर इस पे क्लिक करें, अच्छा इसको कमिट कर दें, अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल में अभी ठीक हो जाएगा। अच्छा ये मॉडिफाई हुआ था, इस वजह से मेरे ख्याल में ये मसला आ रहा है। आपने मेन ब्रांच में पुश किया था ना, yes, सही है, ठीक है। अच्छा इसको अभी कमिट कर दूँ, फॉर एग्जांपल चेंज्ड, और इसको सिंक कर, तो बस पुश हो गया। तो अब वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया ना, yes, आपके पास जो कोड था वो ख़त्म हो गया। तो इसीलिए पहले पुल किया करें, पुल करेंगे तो मसला नहीं बनेगा, ठीक है। और पुल करेंगे तो भी आपको कॉन्फ्लिक्ट पता चल जाएगा, बिफोर पुशिंग पता चल जाएगा। yes, तो दिस वाज गेट पुल करेंगे तो जी, पुल करने से इनकमिंग चेंजेस नहीं, पुल करने से भी यही कॉन्फ्लिक्ट आएगा, एग्जैक्टली यही कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, फिर आप रिजॉल्व करेंगे तब आप पुश कर सकेंगे। देखें जब आप कोडिंग कर रहे हो ना और आखिर में जाकर आप पुश करें और कॉन्फ्लिक्ट आए, ये बेहतर है कि जो ही आप बैठे और आप पुल करें तो कॉन्फ्लिक्ट आए, ये बेहतर है पुल करते वक्त। क्योंकि देखें आपने कुछ कोड, कुछ लॉजिक, कुछ नहीं बनाया होगा, अब मैंने सारी डिजाइनिंग इस पूरे पेज की होगी और उसका X3 बाद में आ जाएगा, तो सारा काम खराब हो गया ना। तो ये पहले आ जाता तो बेहतर था ना, तो इसी वजह से पुल पहले करें, जब उधर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो पहले से रिजॉल्व कर लें, उसके बाद फिर अपना कोड स्टार्ट करें, तो ज़्यादा बेहतर तरीका होता है, ठीक है ना। समझ आई होगी, पता नहीं समझ आई सर, वो कमेंट्स या जो कोड वो रिपीट हो जाएगा, मतलब उसने भी एक स्ट्रेट अलग हो जाएगा, हाँ जब दोनों ने सेम कोड लिखा हो ना तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है,
फिर नहीं नहीं फिर ये चेंज ये यानी कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, फिर उनके वाले एक्सेप्ट हो मेरे वाले एक्सेप्ट हो कोई फर्क पड़ेगा? हाँ नहीं कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ सेम लाइन पे आता है, कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ सेम लाइन पर डिफरेंट कोड से आता है। फर्ज कर ले मैंने पैराग्राफ लिखा है ना पैराग्राफ, और उसके अंदर लिखा है 1 2 3, और आपने भी पैराग्राफ लिखा है उसके ऊपर भी लिखा है 1 2 3, तो आपके वाले एक्सेप्ट हो या मेरे वाले एक्सेप्ट हो इससे फर्क पड़ता है? नहीं। एंड प्रोडक्ट पे फर्क पड़ता है? नहीं। अब मैंने प्लस प्लस लिखा और आपने माइनस माइनस लिखा हो फिर तो फर्क पड़ेगा, समझ आई है? तो सेम लाइन पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, वो होता ही नहीं है, वो रिकॉग्नाइज नहीं होता है इस कॉन्फ्लिक्ट। अगर इन्होंने एच थ्री में जो टेक्स्ट लिखवाई वो मैंने भी लिखा होना तो फिर ये पुश हो जाता, क्योंकि वो चेंजेस और मेरे चेंजेस सेम है, समझ आई है? तो ये है। अच्छा कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, फिर ये आप करें अभी, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर मैंने कहा ना भूल जाएंगे, तो अभी 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 करें और मैं अभी खड़ा हूँ, जब तक आप ये ना करें तब तक मैं खड़ा हूँ, ठीक है?